अल्लाह की रज़ा हो गई है, डेथ हो गई उनकी, उन्होंने मुझे बड़ा कुछ सिखाया इधर। तो वो मेरे सब कुछ उन्हें, मतलब हमें प्रेयर करना भी सिखाया, बनाना भी सिखाया। तो कई लोग जो ना फर्स्ट टाइम एंट्री होती है तो कहते हैं हम देख के बड़े हैरान हो गए हैं, ये अजीब से है कि हमें लाहौर में रह के भी नहीं पता चला। कई लोग लाहौर में भी होते हैं तो जो बाहर से आते हैं, कई लोगों ने ना बाहर से भी उन्होंने सुना हुआ है कि यही म्यूज़ियम है, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि हमने देख। तो ये तकरीबन जहाँ तक हमें पता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है पपेट्स के हवाले से, और ये बिल्कुल फ्री है। ये 2004 से ओपन हुआ है, वहाँ से अभी तक जो है ना ये फ्री है, इसकी कोई टिकट नहीं। और जहाँ से इस थिएटर वर्कशॉप ने एक्चुअली जन्म लिया बिल्कुल, वो लाहौर था, और लाहौर में हमने कल्चर पेश किया। उसके बाद सेवरल अदर बच्चों के प्रोग्राम यहाँ पे पेश किए गए जो मैंने बनाए, चंद एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस थी जो फैजान ने बहुत दौड़ भाग करके अरेंज करवाई। और इस तरीके से हमारा, यानी कि हर परफॉर्मेंस के साथ किसी एक का हमारा एक बहुत अहम काम, यानी कि उसकी एनर्जी इन्वॉल्व होती थी। रफ़ी पीर में जितना भी काम, जैसे भी काम हुआ, जितना भी काम हुआ, इट वॉज अ ग्रेट टीम वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली बिटवीन अस ब्रदर्स। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेलीविजन शो सिमसिम हमारा, जिसमें वो अमेरिकन गवर्नमेंट ने हमें दिया था, उसके बाद उन्होंने उस प्रोजेक्ट को खुद ही डिस्ट्रॉय किया। हमें टारगेट किया उन्होंने, और उनका बेसिकली मकसद ही था रफ़ी पीर को डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि नॉर्मली व्हाट दे डू इज व्हेन दे एंटर कंट्रीज दे कांट कम एंड डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, दे डिस्ट्रॉय पीपल लाइक अस, कि उनकी कैपेसिटी ख़त्म करें। सो हमारी पाकिस्तान के लिए कैपेसिटी, कल्चरल कैपेसिटी बहुत बड़ी थी रफ़ी पीर की, तो दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय अस एज अ फैमिली, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज व्हाट वी वर डूइंग, दे एग्जैक्टली व्हाट दे डूइंग नाउ टू पाकिस्तान, दे डिड दैट टू अस। हमने जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमने इसको एक मोहब्बत की तरह किया, हमने ये इसमें प्रॉफिट एंड लॉसेस उस किस्म से हमने नहीं सोचे, और हमें जो जहाँ हमने अच्छी चीज़ की तो उस इंडिपेंडेंट सेक्टर से हमें बहुत सपोर्ट भी इसकी मिली, और हमसे दुश्मनी भी बहुत की गई है, एंड दैट इज़ ऑब्वियस, वो भी होता है। जहाँ तक हुकूमती ताल्लुक है तो हुकूमत ने कभी किसी मीडियम को, आर्ट के मीडियम को यहाँ पे सराहा नहीं। उनके पास जो पीटीवी और जो पाकिस्तान रेडियो स्टेशन है, ये वर्ल्ड क्लास उसके ऊपर इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन इनमें उनकी किस तरह इधर बेहुर्मती हुई ये आपके सामने है। वो इदारे ये खुद कभी नहीं चला सके, तो जहां भी इन्होंने देखा लोगों को, अगर कोई कल्चरल सेक्रेटरी या एक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हमारे खिलाफ हो जाता है, या उसको कोई उसका कोई अपना कोई करता धरता इस फील्ड में है, तो वो फिर आपकी लातें काटने लग जाता है। ये हमारे साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है। सो हमारी मुल्क की ट्रेजेडी ही यही है, और इसीलिए हमारा फन कभी किसी किस्म का, फिल्म को देख लें, पनपा नहीं है। और इसमें हुकूमत का बहुत बड़ा हाथ है डिस्ट्रॉय करने में। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें आई थिंक 40 साल में 40 रुपए नहीं दिए। इस पे दो अटैक्स भी हो चुके हैं, हमें कोई सिक्योरिटी भी नहीं दी गई, क्योंकि वो तालिबान ने इस पे अटैक किया था कि ये मूर्तियां हम प्रीच करते हैं और ये हिंदुआना कोई चक्कर है इनका, ब्लू दस अप, तो बड़ा डैमेज इधर हुआ था। फिर हमने वॉल शॉल बनाई इसकी, बट द होल थिंग इज इस चीज़ की इम्पोर्टेंस पाकिस्तान को अभी नहीं है, और बल्कि जब बम फटा था तो हमें यूनमा के जो हेड हैं, यूनमा यूनियन ऑफ पपेटियर्स इन द वर्ल्ड, वो पूरी यूनियन है यूनमा की, उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो पारसी हैं, इंडियन, वो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने मुझे रिंग किया
और फैजान को उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा तुम्हें फीलिंग है, देखो तुम्हारे म्यूजियम पे भी अब अटैक हो गया, पहले हमारे फेस्टिवल पे भी हुआ था, सो उन्होंने कहा कि ये आप शिफ्ट कर दें इधर, वी विल गिव यू अ बिग स्पेस, हम आपको एक बहुत बड़ी जगह देते हैं यहाँ पे, ये बहुत रेयर कलेक्शन है, ये आप ले आए, इंडियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू फंड दिस प्रोजेक्ट, मैंने बात कर ली। तो हमने कहा नहीं, ये पाकिस्तान के बच्चों की चीज़ है, अगर आपने कुछ बनवाना है हम आके बना देंगे आपको, लेकिन ये वाली कलेक्शन पाकिस्तान के बच्चों की है। पपेट म्यूजियम, इसको इस तरह का म्यूजियम आपको कोलंबिया में या अमेरिका में या जर्मनी में भी नहीं नजर आएगा। सो दिस इज वन ऑफ द रेयर प्रॉपर्टीज, अ वेरी रेयर प्रॉपर्टी इन द वर्ल्ड। इट हैज नो ग्रांट, इट हैज नो फंडिंग।